अब हम समझना चाहेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? अगर P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड में है और मुझे जानना है P पॉइंट के सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, रो कितना होगा, फाई कितना होगा, जेड कितना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर रो फाई जेड मुझे पता है और मैं एक्स वाई जेड जानना चाह रही, तो इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन में ये कन्वर्जन करने में मुझे ये फिगर मदद करेगा। P पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्स वाई जेड की टर्म्स में और रो फाई जेड जो है वो मैं जानना चाह रही हूं, मतलब मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में बदलना चाह रही हूं। अब फिगर में मैं क्या रिलेशन है एक्स का, वाई का और जेड का, रो से, फाई से और जेड से, वो मैं आसानी से समझ सकती हूँ। पी पॉइंट को एज यूजुअल हमने एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉप किया, उस फुट ऑफ द परपेंडिकुलर को हमने ओरिजिन से जोड़ दिया, तो ये लाइन हमारी हो गई जिसकी लंबाई होगी रो। क्यू पॉइंट को फुट ऑफ द परपेंडिकुलर जो है या पी का प्रोजेक्टेड पॉइंट है उससे मैंने एक्स एक्सिस पर जोड़ दिया, तो ये मेरा आर पॉइंट हो गया। और सेम ऐसा ही मैंने एस पॉइंट जनरेट किया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पर, क्यू से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वाई एक्सिस पर, तो ओ आर, ओ एस, ओ क्यू और पी क्यू, ये सारी लेंथ हमारी हो गई एक्स वाई रो और जेड, और साथ में फाई को मैं समझ सकती हूँ रो और एक्स के बीच के एंगल से। अब एक्स वाई प्लेन पर जो मेरा पूरा पैरेललोग्राम बन रहा है, ये पैरेललोग्राम की एक साइड एक्स है, दूसरी साइड वाई है, इस पैरेललोग्राम का डायगोनल रो है जो एक्स के साथ फाई एंगल बना रहा। मैं रो का कॉम्पोनेंट एक्स एक्सिस पर निकाल सकती हूं जो कि होगा रो कॉस फाई, मतलब एक्स डिफाइन हो सकता है रो कॉस फाई से और वाई डिफाइन हो सकता है रो साइन फाई से और जेड जो है वो जेड ही रहेगा। इसी तरीके से रो को अगर मैं एक्स और वाई के टर्म्स में समझना चाहूं, मतलब पैरेललोग्राम के डायगोनल को मैं फाइंड आउट करना चाहूं, और ये एक्चुअली पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल है क्योंकि एक्स और वाई के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल के डायगोनल को, रो को मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से। इसी तरीके से जो एक्स वाई प्लेन पर ट्राइंगल बन रहा है एक्स रो और क्यू आर से, ये तीनों लाइन से जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का जो फाई एंगल होगा वो भी मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स से, और जेड जो होगा वो जेड के इक्वल होगा। सो ये जो तीन तीन सेट्स हमें फॉर्मूले के मिले हैं, रो फाई जेड, हम तब पता कर सकते हैं जब हमें एक्स वाई जेड पता है, या फिर एक्स वाई जेड हम पता कर सकते हैं जब हमारे पास रो फाई जेड अवेलेबल है। तो ये है ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका, कार्टेशियन टू सिलेंड्रिकल एंड सिलेंड्रिकल टू कार्टेशियन, और सम्स में हम आगे इसको प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे।